अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एसएफ व्लॉग्स एंड थैंक यू फॉर कमिंग बैक। तो भाई अभी जा रहे हैं पैसे एक्सचेंज करवाने के लिए, तो दोपहर का टाइम है, तकरीबन 3 बज गए ना, हाँ 4 बज गए, 4 बजे का टाइम है। तो सुनसान है सब कुछ, पूरी सिटी लॉक्ड है, तो कुछ भी नहीं है। तो अभी आपको बैक कैमरे से भी दिखा देता हूँ कि जिम भी बंद है, सब कुछ बंद है। जैसे ये तो बैक कैमरे से भी दिखाते हैं आपको, जिम बंद, सभी शॉप्स बंद, कोई भी नहीं, रोड भी खाली। तो दोपहर का टाइम है, सब कुछ लॉक्ड है, लेकिन रात को होता है कर्फ्यू, तो रात को सभी ग्रोसरी शॉप्स वगैरह भी बंद, क्योंकि ये जो जितने भी लोग अभी एक दो फिर रहे हैं तो वो हमारी तरह ही, कुछ बैंक वगैरह खुले हैं, बैंक या ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए बाहर जाते हैं, वैसे अदरवाइज कोई भी नहीं जाता भाई। तो बहुत कम ट्रैफिक है, ट्रैफिक का सीन ये है सारा। यहाँ पर पहले बहुत रश होता था अक्सर, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो टोटली बंद है, टोटली लॉक्ड है, वो सारी शॉप्स भी बंद है, ये भी सभी शॉप्स बंद हैं, ये गिफ्ट की शॉप थी ये भी बंद है, सिर्फ वो जो है फार्मेसी है वो ओपन है, और बाकी सब कुछ ही बंद। ये रेस्टोरेंट था, तो रेस्टोरेंट भी लॉक्ड है, ये देखो जी रेस्टोरेंट भी बंद सारा। तो कभी इस रोड पे बहुत रौनक हुआ करती थी, लोग आते जाते थे, चहलकदमी बहुत थी, लेकिन अभी सब कुछ बंद है। मैंने जाना है दरदोई प्लाज़ा पे, वो भी सब बंद है, वो भी अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो ध्यान में रख के चलना पड़ना, तो रोड सारे बंद हैं, रोड देख लो जी, बहुत कम लोग बाहर आ रहे हैं। तो आज जो डे है मंडे, तो इस प्लाजे पे मैंने जाना है, क्योंकि ये फ्रंजे है जो इसका ग्राउंड फ्लोर है वो खुला हुआ है, बाकी सब बंद है ऊपर से, क्योंकि मैंने जाना है बैंक। और किधर है, किधर है, ओ आइर आ गए, क्योंकि अंदर था बैंक बंद, बैंक है इधर बंद, सिर्फ वो कह रहा है फ्रंजे जो सुपर मार्केट है वो ओपन है, बाकी सब बंद है। तो सिक्योरिटी वाले ने कह दिया था कि आप लोग जाओ दूसरे मॉल में, उधर ओपन होगा, तो अभी उधर जा रहे हैं, तो बैंक देखते हैं ओपन है, तो बैंक तो नहीं ओपन, एटीएम देखते हैं, क्योंकि एटीएम भी उन्होंने बंद किया हुआ है वो, तो वो कह रहे हैं नेक्स्ट जो है मॉल उसमें जो एटीएम मशीन है वो शायद चल रही हो, तो अभी उधर जा रहे हैं, तो उधर जाके मिलते हैं। सब कुछ बंद है टोटली, तो कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं बस, बाकी सब कुछ बंद है। तो मैं अभी घूम मॉल में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी दरदोई से दरदोई पे गया था, दरदोई प्लाज़ा, और जो वो है घूम मॉल, वो जो सैमसंग लिखा हुआ है ये है घूम मॉल। तो इधर तो एटीएम मशीन बंद है, अब उधर जाके देखते हैं खुली है कि नहीं, अभी रेड हो गया तो खड़े होना पड़ना। बाकी बाइक का सीन चेक कर लो, यहाँ पे पहले बहुत रौनक हुआ करती थी, काफ़ी लोगों की चहलकदमी थी, तो इधर लोग आते जाते रहते थे, अभी सब कुछ बंद है। तो जो निकले हैं वो मास्क तो पहन के ही निकले हैं, कोई भी ऐसा बंदा मैंने अभी तक आते नहीं देखा तो जिसने मास्क ना पहना हो, तो सभी है, कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, तो अभी सब कुछ बंद है। और क्योंकि अभी समर स्टार्ट हो गया तो मौसम अच्छा है, तो अभी अब जो नेक्स्ट डेज आएंगे उसमें और अच्छा हो जाएगा मौसम। अभी खुल गया इशारा, ग्रीन हो गई है लाइट, तो अभी चल पड़े ज़ेब्रा क्रॉसिंग।
दूध मिलना महंगा। बाकी ये चेक करो जी, सुपर मार्केट ओपन है। तो मैं अभी घूम सेंटर में अलमा जो है उधर आया हूँ भाई। कांट पे कांट हो ही जा रहा है। बात ये है कि हम पहले गए दरदोई प्लाजा पे, उधर तो डिपॉजिट भी नहीं हुए, लेकिन घूम सेंटर आए हैं तो उधर डिपॉजिट हो गए थे, एक्सचेंज नहीं थे हो रहे फिर पैसे, क्योंकि उधर हो गया था कैश उनका ख़त्म एटीएम में। अब दूसरे एटीएम ढूंढ रहे हैं क्योंकि एटीएम में कैश भी ख़त्म हो जा रहा है अब, तो पता नहीं चेंज करवा रहे हैं कि नहीं। तो वो भी उनकी बैंक की आएगी टीम, तो वो उस डिपॉजिट करेंगे। लेकिन अब दूसरी जगह आए हैं, वो सामने भी मशीन है तो मिल जाती हैं एटीएम मशीन्स तो काफ़ी हैं, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि एटीएम मशीन्स मिले ना, वो इजीली अवेलेबल हैं उधर से, मिल जाती हैं सभी। तो आप लोग जो भी कार्ड ही है वो यूज़ कर लो और पैसे इधर से मिल जाते हैं। कार्ड डाल दिए, अभी पिन लगा लेते हैं। अब इधर से भी पता नहीं निकलते हैं पैसे के, नहीं पीछे तीन एटीएम्स तो फिर लिए मैंने, करवानी है एक्सचेंज तो सेल करना पड़ेगा मुझे, यूएस सेल करने करेक्ट अमाउंट। तो अभी रेट है 80.80, तो एक्सचेंज करवाने हो जाते हैं। हाँ हो गए हैं अब, तो अभी विड्रॉ करवा लेते हैं। आखिरकार इधर से निकल ही जाएंगे, अभी निकल आते हैं लोग। बड़े गरम गरम नोट है। अभी का सीन ऐसे है कि निकल गए हैं पैसे, हवा बहुत तेज चल रही है काफ़ी, तो आई थिंक कि आपको भी साउंड फील हो रहा होगा, तो चेक कर लो। सीन ये है कि कोई भी नहीं है, रोड सारे खाली हैं। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ घर, तो जब भी एटीएम यूज़ करो तो एटीएम के साथ ही उन्होंने डिसइंफेक्टेंट रखा होता है, तो आप लोग उससे अपना जो है वॉश कर लो सैनिटाइज़र से, तो बेहतर है। नहीं तो भाई किसी चीज़ को हाथ ना लगाओ। मैंने तो कॉर्ड भी वॉश की है और अपने हाथ भी वॉश किए हैं, ताकि वायरस से मैक्सिमम बचा जा सके। तो अभी मिलते हैं घर जाके, अभी आप बाहर के नज़ारे चेक करो। हाँ जी जी, तो अब आपको बता दिए जाए क्योंकि आज नेक्स्ट डे, आउटफिट भी चेंज है। तो अभी आपको बता देते हैं कल का क्या सीन था। कल एटीएम से मैंने निकलवाने थे पैसे, तो मैं गया हुआ था तो मुझे पैसे निकलवाने थे, ज़रूरत थी क्योंकि हमने रेंट पे करना है। अब रेंट आ गया है, फर्स्ट को रेंट पे होता है, तो उससे पहले पैसे निकलवाने थे, पैसे अब आ गए हैं। क्योंकि एटीएम सभी बंद थे, सभी काफ़ी बंद थे, लेकिन कुछ कुछ खुले थे, जो खुले थे उनमें से भी कैश नहीं था, कैश निकल नहीं था रहा। तो ऐसा है सीन कि पाकिस्तान से कुछ बच्चों के जो हैं बैंक जो कार्ड हैं वो लॉक्ड हुए थे पिछले दिनों में, तो अभी ओपन हो चुके हैं, अभी जिस तरह मर्जी वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और लेटेस्ट सिचुएशन बता रहे हैं अभी कि मास्क पहनना तो आपको ज़रूरी है, अगर आप इधर मास्क नहीं पहनते हो तो बाहर अगर पुलिस ने देख लिया या आप पकड़े गए तो भाई 1000 सोम उसी वक्त फ़ाइन है आपको अगर मास्क नहीं पहनते हो। और अगर 8 बजे से लेके रात को 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक अगर आप बाहर कहीं घूमते पकड़े गए हो तो तब भी आपको फ़ाइन है 3 लाख सोम का। तो इसलिए घर में रहो, सिर्फ 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे से लेके रात 8 बजे तक आप बाहर निकल सकते हो, वो भी कोई चीज़ लेने के लिए एमरजेंसी में, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन रात को 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तो आपने निकलना ही नहीं ना, क्योंकि इतना फ़ाइन देने का फ़ायदा कोई नहीं अगर पकड़े गए हो। तो तकरीबन 3500 से 4000 जो है डॉलर्स वो बन जाते हैं, तो फिर इतना कोई ना फ़ायदा नहीं है। उम्मीद करते हैं जी आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।